नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछि मु स्वप्ना संपूर्ण खबर पूर्वरु हेडलाइंस पुरी गस्तरे बीजेपी राज्य प्रभारी डी पुरेन्द्रेश्वरी सिंह द्वारा सम्मुखें पतित पावनों दर्शन सह मंदिर खोलिबा को दाबी बगला जमी बिक्री को कले निंदा कहले मुख्यमंत्री नियंतु पदक्षेप गंजाम जिला हिंजिली काटु अंचल रे दुखदह घटना विद्युत तार संस्पर्श रे आसी दंपति मृत बिलो को जाइथिबा बेले छिंडी पड़ीथिबा तार संस्पर्श रे आसी चारिगला जीवन कंधमालडे विपुल गंजेई गछ नष्ट 120 एकर जमी रे बेआईन भाबे चलीथिबा चाष को नष्ट कला अबकारी विभाग एपटे गंजाम नुआगड़ गाँव में व्यापक एकर एकर गंजेई चाष नष्ट कले पुलिस परिवार नियोजन बेले महिला मृत्यु त्रुटिपूर्ण अस्त्रोपचार जो मृत्यु अभियोग आणिले परिवार लोके एरसमा स्वास्थ्य केन्द्र में उत्तेजना घटनास्थल में पुलिस मुतयन राज्य में केते सुरक्षित शिशु निखोज को नहीं आसला सांघातिक चित्र अनुगुल विभिन्न चाइल्ड होम्रु शिशु निखोज ठाब कर विफल होलीस परी मस्कान योजना नहीं उठला प्रश्न किए देव परी न्याय एसआईटी कोर्ट मॉनिटर नुहे मानिले नरसिंह केबे मुह खोलिबे कैप्टेन सेपटे राज्य सरकार निरवता को नहीं विरोधी प्रश्न अर्गस प्रभाव खबर प्रसारण पर कुनी पिहू घरे पुलिस पांच मसरे सोइबा परे जागिला प्रशासन चाप पर प्याज पकाइबा को हेउछि कि चेष्टा चाषी को शोषण करुछंती राज्य सरकार धान किनारे अव्यवस्था को नहीं बरसिला बीजेपी कैप्टेन संकल्प को दल कहला छलना अभियोग कले प्रदीप कहले मंडी बुलंतु मुख्यमंत्री नुआपड़े कांदुची चाषी विभिन्न मंडी अचलावस्था मंडी उठुनी धान शीत काकर पड़ रही चाषी वर्षकर परिश्रम मिलर्स कटनी छटनी शिकार होती चाषी एवं कुहुड़ी आस्तरण में सारा राज्य सकालु सकालु घन कुहुड़ी गाड़ी चलाचल में समस्या 15 तारीख जाए हेबनी पागरे परिवर्तन कुहुड़ी आवरण में ट्विन सिटी बिहार पुरी गस्तरे बीजेपी राज्य प्रभारी डी पुरेन्द्रेश्वरी आज सकालु सकालु पुरी रे पहुंची पतित पावन दर्शन करिछंती बीजेपी राज्य प्रभारी एक गस्त काल में श्रीमंदिर खोल जाऊ से दावी करते देश में विभिन्न स्थान में मंदिर खोली सारी पुरी श्रीमंदिर खोलिबा नहीं दावी करिछंती बगला धर्मशाला बिक्री करा असंतोष व्यक्त कले डी पुरेन्द्रेश्वरी मुख्यमंत्री एने तुरंत पदक्षेप नेबाकु से दावी करिछंती गस्त समय भारतीय जनता पार्टी जिला सभापति पुरी विधायकों समेत लेखाश्री सामंत सिंघार और अनेक कर्मकर्ता उपस्थित थे देश भर में जहाँ पे भी बड़े बड़े मंदिर है जैसे हमारे प्रदेश में बालाजी का भी मंदिर है उसे तो खोल लिए हैं और वहाँ हर रोज 25,000 to 30,000 भक्तजन आते हैं वहाँ दर्शन के लिए तो यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं खोलना ये खिलवाड़ है यहाँ के लोगों के साथ और हम बीजेपी की तरफ से हम डिमांड करते हैं जैसे कि जल्द ही जल्द मंदिर को खुलवाएं और इसी के साथ मंदिर के जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं हमें यहाँ ज्ञात हुआ कि यहाँ के जो जगन्नाथ मंदिर जी के जो भी धर्मशाला है उसको बेचने का तो तैयारी बेच दिए हैं जिसपे हमारे यहाँ के सांसद जो लड़े संबित पात्रा वो भी कोर्ट में गए इसलिए हम डिमांड करते हैं बीजू पटनायक जी से सॉरी नवीन पटनायक जी से कि वे जल्द ही जल्द मंदिर को खोलें और प्रभु के जो भी प्रॉपर्टीज है उन सब का संरक्षण करें। गंजाम हिंजिली काटू अंतर्गत पुरुणा बुरुपड़ा गाँव में अभावनीय घटना विद्युत तार संस्पर्शे आसी दंपति मृत मृतक हेले हिन्न सामल और विष्णु सामल आज सका क्षेत्र को जाता बेले छिंडी पड़ा विद्युत तार संस्पर्शे आसी तांकर मृत्यु जहाँ नहीं पूरा अंचल शोकर छाय खेली जा उभय मेडिकाल भर्ती कराक्तर से मृत घोषणा कर तबे संपर्क में अधिक सूचना देवे ब्रह्मपुर प्रतिनिधि पीतांबर नाहक पीतांबर जहाँ दुखद घटना आसी पहुंची हिंजिलिकाटू अंचल रे विद्युत तार संस्पर्श आसी दंपति मृत्यु होई छि तबे संपूर्ण घटना कौन थिला
निश्चित भाव आम कहीपर बर्तमान यह गोटे शोकर छाय खेली जाए अंचलवासी कहीं जमीक गोटे विद्युत विभाग पारिया पणिया को प्रश्नवाची सृष्टि जिते बड़े विद्युत थी विद्युत तार छिंडुची अथच विद्युत विभाग जानी पार ना तो निश्चित भाव ए गोटे विड़म्बना विद्युत विभाग साउथ कोर अंपटे सब गुरुत्वपूर्ण कथा स्वप्न जो भाई भाव में हिंदुली कार्ड रु जिते बड़े स्वामी स्त्री आज से जमी को जाते जमी को जाम करुले पहांतिया चारिटा समय जमी को जाने फुलकोपी चाष करती जीवा समय विद्युत तार संपूर्ण भाव जमी में पड़ी था करेन्ट मध्य रही तो यही समय जिते बड़े जमीर चली चली जाऊ तार संसर्शन आसते जहां फल दु जन जहाँ घटनास्थल गुरुतर रही खबर पाई से दुहीं पुह जमती की स्वामी जी हीन सामल अच्छा स्त्री दुही को पुह प्रथम हिंजी मेडिकल को किंतु मेडिकल को आणवा भितर से डॉक्टर मृत घोषणा कले कि सब गुरुत्वपूर्ण कथा जिते बड़े विद्युत विभाग टीम बुल नाइट पेट्रोलिंग किंतु तार जिते बड़े यही भाव में हाई वोल्टेज के भी तार जाठार तार छिंडुची दीर्घ समय धरिकी लोक मैंने यातायात करें जमी में चाष होती विद्युत विभाग जानी पार ना कि गोटे बड़ प्रश्न उठी अंपटे संसर्श से आसिले बर्तमान समय हुए तो विद्युत तार संसर्श जेहेतु आसिकी मृत्युवरण कर गोटे विद्युत विभाग गोटे अवहेला कहीपर यही प्रसंग में जब आम देखा आग को हुए तो शक्ति विभाग हूँ विद्युत विभाग कौन कार्यानुष्ठान सहायता राशि घोषणा करुच्ची की ना ये गोटे दिग रही किंतु अंपटे दुई दुईटी मूल्यवान जीवन चली गला सप्ताह जो सूचना देते विद्युत विभाग अवहेला जो चलीगला दुई निरीह जीवन गंजाम हिंजुलिकाटू अंतर्गत पुराणा बुड़ुपड़ा गाँव में विद्युत तार संस्पर्श आसी दंपति मृत्यु होती धन्यवाद पीताम्बर आप समस्त अपडेट पाई। खोर्धा धुआल छक मर्मंतुद सड़क दुर्घटना ट्राक्टर को धक्का देला ट्रक एक ट्राक्टर में किसी लोक भोजी खाई फेरुवा बेले पछपटू एक ट्रक धक्का देता फल ट्राक्टर टी ओल्टी पड़ा दुर्घटन दस जन आहत होती स्थानीय लोके और दमकल बाहन से उद्धार कर बालुगा मेडिकल भर्ती कर विपुल परिमाण गंजे चाष नष्ट कंधमाल जिला पुलिस और अबकारी विभाग मिलित उद्यम फिरिंगिया थाना अंचल जाजेस पंगा पड़ी पंगा नुआ साही एवं पियनपड़ा अंचल 120 एकर जमी में बेआईन भाव लग जा गंजे गछ काटी नष्ट कर दि जा गंजाम जिला पाटपुर पुलिस और अबकारी विभाग अचानक के नुआपड़ा गाँव में चढ़ाऊ कर गाँव में गंजाम गजपति सीमांत बेले गला अनेक वर्ष हेब यह गाँ निकटे पहाड़ में चली बेआईन गंजे चाष तबे पुलिस प्रशासन एवं अबकारी विभाग चढ़ाऊ कर बहुत परिमाण गंजे चाष को नष्ट जमापड़ी किंतु वर्ष वर्ष धरी एठारे गंजे चाष हो सूचना मिलता बेले अबकारी विभाग पूर्वर केमिति सुराग पाईपार नाला ताहा अबकारी विभाग उपरे प्रश्नवाची सृष्टि कर दुर्नीतिर गंथा घर पाल्टी गंजाम तेबे जिले में बड़ धरणर समवाय स्कैम पार्लाखे मुंडे बीसीसी बैंक महिला शाखा वर्ष वर्ष धरी चली दुर्नीति बैंक मैनेजर और बणिया मिली भगत नकली सुना बंधक रखी हड़प हो कोटि कोटि टंका एने अभियोग आसवापर प्रशासन एक स्वतंत्र टीम बैंक चढ़ाऊ कर उभय एतला तदंत आरंभ हो तबे संपर्कित अधिक सूचना देवे ब्रह्मपुर आम प्रतिनिधि पीताम्बर नाहक पीताम्बर जहाँ सूचना आसी पहुँचुची ब्रह्मपुर रे जदि कहबा बड़ धरणर समवाय स्कैम पार्लाखे मुंडे थिबा बीसीसी बैंक रो महिला शाखा रे तबे पीताम्बर एठी प्रश्न उठुची वर्ष वर्ष धरी नकली सुंदा बंधक रखी कोटि कोटि टंका उठा जाउची तबे एथिरे किए किए संप्रुक्ति अछंती एवं किपरि भाबे कोनोसी सुराग पाई पारलथिला पुलिस एवं ग्राहक माने देख
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିର ଏହା ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ, ଯେଉଁ ଫର୍ଦ୍ଦ କି ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସରେ ହୁଏତ ଏହା ପ୍ରଥମ ହୋଇଥାଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବଣିଆ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନା ଗହଣାକୁ ବନ୍ଧା ପକାନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଧା ପକେଇକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଧାର ନେଇଥାନ୍ତି ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଋଣ ଭାର ନେଇଥାନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମବାୟ ସମିତି ଶାଖାରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଶାଖାରେ ଥିବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘୋଟାଲା ପଦାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ଯିଏ ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲା, ନକଲି ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲା କେ ଗୋପି, ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଆର୍ ଭୁଞ୍ଜଙ୍ଗରାଓ। ଏ ପୁରା ଘଟଣା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ସୁନା ବେପାରୀ କେ ଗୋପି 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଚାରିଥରରେ 460.6 ଗ୍ରାମ ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି 6,84,000 ଟଙ୍କା କରଜ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସୁଧମୂଳ ମିଶି 11,53,661 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମବାୟ ସମିତି କେନ୍ଦ୍ରଲି ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଶାଖାରେ କେତେ ଜଣ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି, ପରିଶୋଧ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଭିତରେ ଏ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ କେ ଗୋପି ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା 460 ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଥମେ ଓଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଓଜନରେ ମଧ୍ୟ ତାରତମ୍ୟ ଆସିଥିଲା, 200.26 ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ସୁନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ସେଇ ସୁନା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା, କୌଣସି ସୁନା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନକଲି ରହିଥିଲା। ଏ ନେଇକି ସମବାୟ ସମିତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ ବିନୋଦ କୁମାର ନନ୍ଦ ଥାନାରେ କେ ଗୋପି ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳକ ଆର୍ ଭୁଜଙ୍ଗରାଓଙ୍କ ନାମରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖୁଛି। ଏ ମାମଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଦଫା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମବାୟ ସମିତି ଘୋଟାଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମବାୟ ସମିତି ଯଦି ବାଡ଼ ଯଦି ଫସଲ ଖାଇବ ତେବେ ଗୁହାରି କରିବେ ବା କାହାକୁ ଜନତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମବାୟ ସମିତିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନକଲି ସୁନାକୁ ବନ୍ଧକ ରଖିକି ଏମିତି ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରିବେ ତେବେ ଆଉ କାହାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଅଣାଯିବ, ଆଉ କିଏ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବ ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ସମବାୟ ବିଭାଗ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଥିବା ବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କର ମହିଳା ଶାଖାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସମବାୟ ସ୍କାମ ମ୍ୟାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ବଣିଆଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ନକଲି ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି ହଡ଼ପ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶିଶୁ ପରୀ, ଆଶୁ ଓ ପିହୁ ପରେ ଏବେ ଛାତ୍ରବାସରୁ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାରରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ CCI ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଅନେକ ଶିଶୁ ବାଜି ରାଉତ ଛାତ୍ରବାସରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଆଦୃତ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 2 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ଜଣେ କେବଳ ଠାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଆଇ ପିଲା ଯଦିଓ ନିଖୋଜ ବେଶୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଇଥିବା ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ପରିବେଶ ଭିତରେ ନ ରହିପାରିକି ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଡେଇଁକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରକୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଥାନାରେ ଯାଇକି FIR କରନ୍ତି। FIR କଲା ପରେ ବେଳେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ଆସିଥାନ୍ତି CCIରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଧର ବାପା ମାଆ ଅର୍ଫାନ ଯିଏ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ହୁଏତ ଆବଦ୍ଧ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ନ ପାରିକି ବେଳେବେଳେ ପଳାନ୍ତି। ଖୋଜ ଥିଲେ ତ ଆମର 3 ଜଣ ପିଲା, 3 ଜଣରୁ ତାପସ ନାୟକ ରେଷ୍ଟୋର ହେଇ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଲା, ପୁଣି ଧରା ପଡ଼ିକିରି ଆସି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ତାର ରେଷ୍ଟୋର ହେଇଗଲା, ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୋର ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ତାର ଘରକୁ ଗଲା, ଘରୁ ସେ ତାର ଏବେ ଯାଏଁ ବାହାରେ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛି। ଆଉ ସୋନି ସିଂହକୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ନିଖୋଜ ଥିଲା, ସେଇଟା ଯେଉଁଦିନ ନିଖୋଜ ହେଲା ଆମେ ସେଦିନ ଯାଇକରି ଅନୁଗୁଳ ଥାନାରେ FIR କରିଥିଲୁ। ତା'ପରେ ପୋଲିସ ଆସି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ତା'ପରେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୋଲିସ ଆସିକରି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ କି ନାହିଁ ପିଲାଟି ତା ଘରେ ଯାଇଥିଲା,
घरे तार कोन देह खराब हेकरी से डेथ हे जाय छी। कुहुड़ी आस्तरण रे पूरा राज्य राज्यर विभिन्न स्थान रे घन कुहुड़ी सकाळ 7टा रे भी कुहुड़ी फळरे पाखरे थिबा जिनिस दृश्यमान हेउनी गाड़ी चलाचल रे समस्या देखा देछि। रास्तार विभिन्न स्थान रे लोके निया जाळी से की होइथुबार दृश्य देखिबा को मिलछि। किए देव परी को न्याय परीर हत्याकारी को धरव किए मंत्री अरुण साहू को सुरक्षा पाई करा जाई षड्यंत्र जानी सुनी अरुण बोथ्रा को करा जाई एसआईटी मुख्य जहां को नेबे प्रश्न घेरे परी हत्या घटनार तदंत। किए देव परी को न्याय परीर हत्याकारी को धरव किए मंत्री अरुण साहू को सुरक्षा पाई होइथिला कि षड्यंत्र जानी सुनी अरुण बोथ्रा को करा जाइथिला कि एसआईटी मुख्य अरुण बोथ्रांकर नाही पुलिस क्षमता गोटेपटे एसआईटी तदंत और एपटे परी को न्याय नहीं आशंका। एसआईटी जे कोर्ट मॉनिटर नुहे एवं यहा सरकारंक द्वारा गठित टीम यहा प्रमाणित हो सारी खाली से नुहे एसआईटी मुख्य अरुण बोथ्रांक पाखरे पुलिस क्षमता भी नहीं। पूर्वरु पूर्वतन पुलिस डीजी तथा बीजेपी नेता प्रकाश मिश्र एक कहवा पर एवं कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र से ही कथा दोहराई परी हत्याकांड घटना परिप्रेक्षी आमर स्पष्ट दावी होउची जे सरकार गठन करथिबा एसआईटी रे एपरी पुलिस अधिकारी रोहंतु जो माने सेक्शन 36 सीआरपी से पावर एक्सरसाइज करिवार क्षमता थिबो एवं से ही एसआईटी संपूर्ण निरपेक्ष भाव रे वर्तमान माननीय हाईकोर्ट को तदारख रे काम करिवो। अरुण साहू को बाबुली नायक संपर्क रो होईची खुलासा काहेकि तदंत परिसर को आसिले नाही मंत्री अरुण साहू काहेकि अरुण को मंत्री मंडलरु बाद दिया गलानी प्रत्युष दिवाकरन को विरोध रे एक्शन केबे काहेकि चुप राज्य सरकार केबे गंभीरारु बाहरी बे कैप्टन। आज राज्य रे सबु जगह रे ए स्वर उठुचे कि परी को न्याय मिलु आ परी को न्याय केते जल्दी दे परिबे गोटे जगह रे कुहा जाय जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड 4.5 मास हे गलाणी ए पर्यंत काहें कि काली सस्पेंड करले किछि पुलिस ऑफिसर्स को ए पर्यंत कोन करूथिले ए पर्यंत तो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन भी करू नथिले। एसआईटी गठन धर्म को आखिठार निश्चित भाव रे कहिना एसआईटी रो कोनोसी जे जे दायित्व रहछन तांकर कोनोसी जुडिशियल पावर नाही तेणु आमर दाबी होउछि बा बीजेपी रो दाबी होउछि सीबीआई तदंत हेउ एवं आपणकर अरुण साहू मंत्री महोदयंकर बहिष्कार करा जाउ काहीं तदंत बाटबणा हबार जथेष्ट संभावना अछि। दीर्घ 4 मास बीती जाइथिले मध्ये स्थानीय स्तर रे कोनोसी प्रशासनिक तत्परता देखा जाय नाही तेणु आहुरी मध्ये आगुको एक तदंत बाटबणा हबार संभावना 100% अछि। एबे बड़ प्रश्न परी हत्या मामलें कौन रहिबो राज्य सरकार आभिमुख्य षड्यंत्र पर्दाफाश होगा पर सरकार परी को न्यायपाई कि पदक्षेप ने नयगढ़ कैमरा पर्सन आदित्य सुशांत साहू का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। 10 डिसेंबर बीजेपी रो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं अन्य नेतांक उपरे तृणमूल कर्मी द्वारा होइतिबा आक्रमण घटनारे केन्द्र सरकारंक तरफरु एथिपाई राज्य को मगा जायछि उत्तर। राज्य रिपोर्ट देइतिबा बेले ममतांक सांविधानिक नीति नियम विषय मन पकाइ देछन्ति पश्चिमबंगर राज्यपाल जगदीप धनखड़। संविधानर नीति नियम रे बंधा मुख्यमंत्री सांविधानिक नियम भूलिले राज्यपाल तुलाइबे तांको दायित्व सांविधानिक नियम भांगी मुख्यमंत्री निया सहित खेलिबा अनुचित भारतीय नागरिक भारतर बाहर लोकंक भली शब्द व्यवहार करिपारिबेनी मुख्यमंत्री विरोधी दलर लोकंक प्रति हिंसा गणतांत्रिक एवं मानवाधिकारर उल्लंघन। 10 डिसेंबर रे बीजेपी रो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं अन्य नेतांक उपरे तृणमूल कर्मी द्वारा होइतिबा आक्रमण घटना रे केंद्र सरकारंक तरफरु एथि पई राज्य को मगा जायछि उत्तर। तेबे ए
11 तारीख दिन सांबादिक सम्मेलनी डाकी ममतांकु सांविधानिक नीति नियम विषय रे मने पकाइबाकु बाध्य होइछंती पश्चिम बंगर राज्यपाल जगदीप धनखड़। एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ आर इट्स फंडामेंटल्स। सेकंड, इट इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन that I have to stretch to the ultimate limit to serve the people of the state, and I can serve the people of the state only when democratic values flourish, they blossom, human rights are not capsized, rule of law is not casualty, constitution is not on fire. The Honorable Chief Minister Mamata Banerjee, she is also under constitutional obligation, and her constitutional obligation is spelled out, and that constitution is, that prescription is, she will act in accordance with the constitution. राज्यपाल कहिछन्ति पश्चिम बंगरे बिगिड़िबारे लागिछि आईन श्रृंखला व्यवस्था, बढ़ी चालिछि भ्रष्टाचार, ए सबु न देखि मुख्यमंत्री विरोधी दलंक पाई बाहर लोकंक भली शब्द व्यवहार करुछन्ति। समस्ते भारतीय, संविधानर नियम भांगी मुख्यमंत्री निया सहित खेलिबा उचित नुहे। Has been continually worsening for long, in spite of my caution to the Honorable Chief Minister, Police and Administration on numerous occasions. संविधान की आत्मा पर हम और कितना कुठाराघात करेंगे? भारतवर्ष में ये बात करना कि भारतवर्ष का नागरिक कहां पर अंदरूनी है, कहां पर भारी है, मैडम चीफ मिनिस्टर प्लीज डोंट प्ले विथ फायर ऑफ दिस नेचर, दिस इज टू डेंजरस टू बी एक्सेप्टेबल बाय एनीवन हु बिलीव्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जदि मुख्यमंत्री संविधान नियम पालन न करती ताहले राज्यपाल तुलाइबे तांको दायित्व। राज्यर पुलिस मुख्य एवं मुख्य शासन सचिव को घटना बाबदरे रिपोर्ट मागिले भी रिपोर्ट मिलुनी, यार अर्थ राजनीति रे माती जी प्रशासन। सरकारी तंत्र का राजनीतिकरण हो गया है, अपोजिशन को कोई स्पेस नहीं मिल रहा है। राज्य रे विरोधी दल पाई कोनोसी स्थान नाही, क्षमता रे थिबा दल व्यतीत केही सुरक्षित नाहंती राज्य रे, उल्लंघन हेउची सेमानकर लोकतांत्रिक एवं मानवाधिकार। कोनोसी दलर राष्ट्रीय अध्यक्षक शोभायात्रा उपरे आक्रमण गणतंत्र रे शोभनीय नुहे, गणतंत्र रे समस्ते निजर मत रखी परिबे, मीडिया विरोधी दल एवं कोनोसी प्रसंग रे विरोध प्रदर्शन को राज्य रे स्थान मिलबा उचित, यहाँ ही गणतंत्र। इन डेमोक्रेसी एवरीवन हैज अ राइट टू स्ट्रगल, टू ऑक्यूपाई स्पेस, टू पुट फोर्थ वंस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड टू डू ऑल दिस विदाउट एटलीस्ट बीइंग इंटरप्टेड बाय द स्टेट एक्टर्स। पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री भी संविधान नियम रे बंधा, से नियम बाहर कौन काम करवा उचित नुहे, पश्चिम बंगर संस्कृति एपरी आचरण पर अनुमति दिए ना। चीफ मिनिस्टर मैडम प्लीज रिफ्लेक्ट, प्लीज थिंक, प्लीज केयर फॉर अ सेंस, ग्रेस, डेप्थ ऑफ बंगाली कल्चर। राज्यपाल ममतांको पाई एपरी कही देशर संविधान और गणतांत्रिक नीति नियम विषय मने पकाई देबा सहित एक घटना बाबदरे एक रिपोर्ट पठाई छंती केंद्र को,
ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଙ୍କଟ। 10 ଡିସେମ୍ବରରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବର୍ବର ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଏବେ ଦେଶ ସାରା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସ ଅପଡେଟ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର।